इस वादे पर, इस तौबा पर, कायम रखे और इसी पर हमारा हासिल फरमाए। जो वादा किया है अल्लाह तबारक बताया, इंफाए हर की तौफीक अता फरमाए, उस पर कायम रखे। ये वादा आपको याद है, ये आपने किया, ये वादा शरीयत पर गामजन रहने का, और जो शराब के अहकाम हैं उनकी पाबंदी का, और नमाजों की पाबंदी, और खास तौर से झूठ, गीबत, चुगली और बदमजहब की सोबत, इससे बचने का ये वादा आपने जरूर, मैंने ये कलमा पढ़े पढ़वाए, आपने दोहराए, ताकि शरिया के आखिरी दौर में भी यही तकारीर, यही पैगाम आप लोगों ने बारहा उसको सुना कि ये वादा जो किया है। हम वसीले वादे हैं, तो वसीले से हमने ये वादा, हमने आज शरिया के वसीले से ये वादा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद से, आला हजरत से, और महाराज के तमाम बुजुर्गों से, और सिलसिला ब सिलसिला ये वादा हमने हुजूर गौसे आजम से किया, और उनके वसीले से ये वादा हमने अल्लाह रसूल से किया। अल्लाह तबारक बताला इस वादे पर हमको कायम रखे, और ये जलसा ताजु शरिया के नाम से ताजु शरिया कॉन्फ्रेंस, तो उनका जो पैगाम है वो कोई नया पैगाम नहीं है, बल्कि वही जो आला हजरत का पैगाम है, और पैगाम आला हजरत वो कोई नया पैगाम नहीं है, वही जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का पैगाम है, सहाबा का पैगाम है, ताबईन का पैगाम है, गौसे आजम का पैगाम है, और ख्वाजा करीम नवाज का पैगाम है, वही पैगाम आला हजरत का है, वही मसलक के आला हजरत है। ताजु शरिया अपने एक शेर में फरमाते हैं, मसलक के आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, इसी के लिए पैदा किए गए। तो आपको दावत फिक्र है कि पैदा किस लिए किए गए, आप भी यहां आया दुनिया में, फिर दुनिया की रंगीनियों में गुम हो जाता है, और फिर तबीयत भी गुनाहों की तरफ माइल होती है। अल्लाह तबारक वताला गुनाहों से महफूज फरमाए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं कि जैसे उन्हें कब्र में जाना नहीं है, और फिर वो बुजुर्गों के गुस्ताख होते हैं, तो कुछ सुन्नी कहलाने वाले भी सुने बुल्ली वो भी बुजुर्गों के गुस्ताख हो जाते हैं, और वो तो बुजुर्गों के गुस्ताख है ही जो दीन से निकल गए, जो दीन से निकल गए वो दीन में लौटने वाले नहीं। लेकिन सुलह कुल्ली जो ये कहते हैं कि ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी सही है, वो भी सही है, या फिर ऐसा वक्त है कि इस वक्त आप सारी हुकूमत है, तो इसके डर से, इसके भरोस से आप सारे गुस्ताखों के साथ बैठ जाओ, नहीं नहीं किसी गुस्ताख के साथ नहीं बैठना है। और हमें सिर्फ ये कहना है कि जैसे बुलाया अल्लाह तबारक वताला ने कि आओ मुलूक को बुरा मत कहो, बादशाहों को बुरा मत कहो, बल्कि मेरी बारगाह में आओ, मेरी बारगाह में आओ, क्योंकि उनके दिल मेरे कब्जे प्यार में है, तुम मेरे आगे अपना सर झुका दोगे तो मैं इनके दिलों को पकड़ दूंगा। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुजुर्गों की जिंदगी को देखो,
लागू कर लिया। जब मिस्र से मिस्र तशरीफ ले गए और मिस्र से आने वाले हैं, अभी आए नहीं है, लेकिन आपके वालिद गिरामी इस दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं? पहले उससे पहले सुनो, उससे पहले आला हजरत ने जब हुज्जतुल इस्लाम के हाँ औलादे मदीना नहीं हो रही थी, तो फिर आला हजरत ने ये दुआ की, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए। उसमें फरमाया हम आए यहां तुम्हारे लिए, दहन में जमा तुम्हारे लिए, वतन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सबा वो चले कि बाप फले, वो फूल खिले कि दिन हो फले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की जबा तुम्हारे। तो फिर हमारे दादा की पैदाइश थी, बताया जाता है कि अपनी जबान फरमाया आला हजरत ने, आला हजरत ने फरमाया ये मेरी जबान। जब वो जबान इस दुनिया से तशरीफ ले जा रही है, वो जा रहे हैं, तो क्या फरमा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं गुरु हो रहा हूं और मेरा अंतर गुरु हो रहा है, और आप लोगों की बारगाह में ये कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को माज अल्लाह गैब की खबर नहीं, वो गैब की खबर न जाने। अरे वो तो गैब जानते ही हैं, बाकी उनके बताए थे, उनके गुलामों ने बोला गैब जानते हैं, बल्कि आमद मुस्लिमीन भी गैब जानते हैं, गैब की खबरें जानते हैं। इमाम शहाबुद्दीन त्रिपाठी उन्होंने फरमाया वमा कल्लमल्लाहु ईमान बिल गैब, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें गैब पर ईमान लाने का जब तक हुक्म नहीं दिया, जब तक मुकदम नहीं किया, अच्छा फटा रहना और गैब ही, जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए गैब के दरवाजे नहीं, तो वो गैब जानते हैं। अब हुजूर मुफ्ती आजम हिंद वो क्या फरमाते हैं ताजुशरिया के बारे में? वो कहते हैं कि मुझे इन पर भरोसा है, मुझे इन पर भरोसा है। तो आज दुनिया ने तो बहुत बाद में देखा, बहुत बाद में देखा, लेकिन हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की आंख में उस वक्त देख लिया। और ताजुशरिया ने जब भी फरमाया फिर उनके लिए आप दुनिया अरब में जाएंगे, दुनिया अरब में देखिए दमिश्क के इमाम सैयद वो फरमाते हैं उनके बारे में कि इनके वसीले से दुआ करो तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। और फरमाते हैं एक कसीदा अपना सुनाया अल्लाह 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 मानी रब्बों में इल्ला हूं, और उस कसीदे में एक शेर आजा अफ्तरु अफ्तरु अन्ना को रब्बी अहसन मतवाहु, ये शेर जब उन्होंने पढ़ा तो जो सरदार है वो क्या कहते हैं उनकी बारगाह में? आज चिंदी चिंदी और पिद्दी न पिद्दी के शोर में वो बोलते हैं, और ताजुशरिया के कब्जे पर वो जिन्होंने मदरसे का नूर ही देखा, बल्कि मदरसे के मदरसे के पिछवाड़ से दूर नहीं गुजरा, वो ताजुशरिया के कब्जों पर बात करते हैं। लेकिन जो सरदार हैं वो क्या कहते हैं? जब ये शेर पढ़ा तो उन्होंने कहा कि हाजा अक्तर था सैयदना
فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہمیں اور آپ کو مسلک اہل سنت پر جماعت پر مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھتا ہے۔